मैं उमेश पाटिल जलगांव से, अभी मैं सूरत में रहता हूँ, लेकिन मेरे लड़के मैं यूट्यूब पे प्रवीण सुराना जी का वीडियो देखा। मेरे लड़के को जन्म से ही मतलब बहरापन था, तो उसका मतलब मालूम ही नहीं पड़ा कि जन्म से क्या है। तो उन्होंने चेकअप किया उसका, कि कान का उसको कम सुनाई देता है, तो उसकी वजह से उसको बोलने में दिक्कत आती है। तो बोले इसको आपको तुरंत मशीन लगाना पड़ेगा। तो मेरे को डॉक्टर ने बोला कि इसको तुरंत मशीन लगा दो, नहीं तो ये आगे बोल नहीं पाएगा। तो मैंने उसको एक हफ्ते में मशीन लगवाई, 15-16 हज़ार की वो मशीन पड़ी थी, तो लगाई मैंने वो मशीन। 2 साल की वारंटी दी थी, फिर बाद में वो मशीन 2 साल की वारंटी के तक चला, वो लोगों ने रिपेयर भी कर दिया, पर बाद में जब गारंटी चली गई तो 5.5 हज़ार का खर्चा बोला। फिर बोले इसको वापस मशीन लगाना पड़ेगा, कि मेरे पास तो मैं नॉर्मल आदमी तो इतना खर्चा कर नहीं पाऊँगा। तो मैं ये यूट्यूब में वीडियो देखा था, तो मैं बोला चलो एक बार इधर जाते। फिर मैंने बीच में वापस इनकेस कैंसिल कर दिया था, कि चलो एक बार वापस सरकारी में बॉम्बे गया था मैं बांद्रा में, तो वहाँ पर मैंने मशीन लगाई, वो मशीन भी 6 महीने में ख़राब हो गई। फिर मैं बोला अभी एक बार चलते, अभी बात किया इनसे कि ये 3 घंटे में रिजल्ट अच्छा है, तो मैं बोला चलो एक बार 20-21 हज़ार जो खर्चा होता है एक बार करके देखते हैं, बार बार मशीन लेने का देने का। ऊपर से बच्चा छोटा है तो कान में लगाता था, तो बार बार मशीन नमी आ जाती, वो मशीन सेल भी लो गीलापन हो जाता, ख़राब हो जाता। तो मैं इधर आया तो मेरे को अच्छा लगा कि मतलब जो रिजल्ट आया तो कुछ मेरे को सही लगा। मतलब मैंने अभी घर पर भी बात किया था फ़ोन से घर वालों से, तो पहले लाउड स्पीकर ऑन करके ही बात करता था मैं, तभी मैंने लाउड स्पीकर ऑफ करके बात किया, तो वो लोगों को भी लगा कि थोड़ा बहुत फर्क पड़ गया, मतलब समझ में आ रहा है। अब दवाई भी दी 3 महीने की, अभी मैं ये पूरा कंप्लीट करूँगा। तो मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि ये सही इलाज है, प्रवीण सुराना जी जो कर रहे हैं वो सही काम कर रहे हैं, तो इनके लिए भगवान अच्छे, मेरे लिए शुभकामनाएं कि अच्छा आगे बढ़े।